हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिश शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बार्ड ऑफ ब्लड। तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देख लीजिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वेब सीरीज में हमने जाते हैं इमरान हाशमी, शोभिता धुलीपाला, विनीत कुमार, कीर्ति कुलारी, सोहम शाह और जयदीप अलावत। इसे डायरेक्ट है रिबुदास गुप्ता ने। इस वेब सीरीज में हमें तकरीबन 7 एपिसोड नजर आते हैं, हर एपिसोड लगभग 40 से 49 मिनट्स के बीच में। कहानी है कि इमरान हाशमी यहाँ पे रोल प्ले करे कबीर राना का, जो कि एक्स इंडियन स्पाई है। इंडियन स्पाई इस वजह से ऊपर क्योंकि प्रीवियस उनके मिशन में कुछ ऐसी गलती होती है जिस वजह से वो खुद को ब्लेम करते हैं और इसी वजह से उनकी जॉब भी चली जाती है। लेकिन अब वो एक स्कूल के प्रोफेसर है। लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी है कि बलूचिस्तान में हमारे इंडिया के 4 एजेंटों को तालिबान के कुछ लोगों ने पकड़ लिया गया, लेकिन उन लोगों को मारते नहीं क्योंकि आईएसआई के एक एजेंट शहजाद के कहने पर वो उसे मारते नहीं। शहजाद का यहाँ पे रोल प्ले करे जयदीप अलावत। लेकिन ये बात अब हमारे इंडियन एजेंसी तक पहुंच चुकी कि हमारे 4 एजेंट वहां पे पकड़े जा चुके। तो अब हमारे इंडियन एजेंट किस तरीके से ये रेस्क्यू मिशन को अंजाम करते और क्या कबीर आरान फिर से अपने जॉब पर लौटते, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। यार ये वेब सीरीज की कहानी की बात हो तो कहानी में ऐसा कुछ भी नयापन मुझे पर्सनली महसूस नहीं हो जो इससे पहले हम लोग ने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे ज्यादा खटका हुआ था इसकी पेसिंग, बहुत ही स्लो वेब सीरीज है। स्टार्ट से एंड आपको जरा भी इंटरेस्ट फील नहीं होता और जब इंटरेस्ट फील होने लगता है तब काफी देर हो चुकी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि उधर तक का कोई भी ये वेब सीरीज को बर्दाश्त नहीं करे क्योंकि स्टार्ट से ही वेब सीरीज इतनी ज्यादा स्लो लगती है और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सेवेंथ एपिसोड तक इसकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली काफी बोर हो चुका था, मुझे ऐसा लगा था कि क्या जबरदस्ती की चीजों को खींचे जा रहे, कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं था। और अगर मैं एजेंट्स की बात करूं तो एजेंट्स के रोल में यहाँ पे शोभिता धुलीपाला हमें ईशा के रोल में नजर आती है, वो एजेंट का मॉडल ज्यादा लगती है। और विनीत कुमार एजेंट के रोल में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जितना स्क्रीन टाइमिंग उनका होना चाहिए था मुझे पर्सनली उतना फील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना था विनीत कुमार ने अपनी तरफ से 100% दिया। और कीर्ति कुलारी के रोल की बात करो तो वो यहाँ पे रोल प्ले करी बलूचिस्तान के जो रिबेल ग्रुप है उसकी लीडर की बेटी का रोल प्ले करी, तो उनका रोल भी ठीक ठाक था। उनके साथ उनका इमरान हाशमी का एक लव एंगल भी बता, इमरान हाशमी के साथ कीर्ति कुलारी के सीन्स मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और कीर्ति कुलारी के कैरेक्टर के साथ इंसान इमोशनली जुड़ भी सकता, उनका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। सोहम शाह का काफी शॉकिंग सरप्राइज रोल है तो मुझे पर्सनली सोहम शाह का रोल भी अच्छा लगा। और जयदीप अलावत की बात करो तो उनके कैरेक्टर जयदीप अलावत के कैरेक्टर को मुझे यहाँ पे लगता है वेस्ट किया गया, जितना उनसे काम लिया जा सकता था यहाँ पर लिया नहीं गया। जब उनको इमरान हाशमी की बात हो तो थ्रू आउट दी वेब सीरीज स्टार्ट से एंड तक टोटली इमरान हाशमी के ऊपर ही कोशिश, इमरान हाशमी जितना कर सकते तो उन्होंने इस वेब सीरीज के लिए उतना किया, लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले ज्यादा अच्छा नहीं है, आज से अच्छी है, डायरेक्शन इतना खास नहीं, ठीक ठाक है। तो ये वेब सीरीज मुझे लगता है कि काफी लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती क्योंकि मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगी, कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। 7वें एपिसोड में जो शॉकिंग सरप्राइज था वो थोड़ा शॉकिंग था, तो शायद इस वजह से सीजन 2 का वेट कर सकते हैं। सिर्फ 6th और 7th एपिसोड के लिए ही ये वेब सीरीज मुझे पर्सनली अच्छी लगी, उसके अलावा स्टार्ट से ही वेब सीरीज काफी स्लो है। अगर आपको ये वेब सीरीज देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें।